Assalamualaikum. आज जो है मैं आपको उसको बताने जा रहा हूँ कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप 2019 जो HEC थ्रू अनाउंसमेंट हुआ है, किसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बताता चाहूँगा कि इसके अंदर जितना हो सके जितने स्टूडेंट्स हो सके मैक्सिमम अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन और नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो ज़्यादा चांसेस ना होने के, तो इस अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ें। इसकी जो डेडलाइन है वो आपको नज़र आ रही है 31 जनवरी 2019। अब इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ। अब ये जैसा कि आपको जानते ही हैं कि HEC के थ्रू जो है अनाउंस हुआ। अब अगर आप HEC के अनाउंसमेंट पर जाएँ तो वहाँ पर एक स्कॉलरशिप आया हुआ है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स 2019। अब इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपके HEC की मेन साइट पे ये लिंक गिवन है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इसकी सारी डिटेल आपको सामने शो हो जाएगी। जैसे पता ही होगा कि बैचलर के लिए 75 ईयर होना चाहिए, मास्टर के लिए मैक्सिमम 30 ईयर होना चाहिए, PhD के लिए 35 ईयर्स और मोर देन होना चाहिए। ठीक हो गया ना। अब यही कुछ है और यहाँ पे एक पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन होने चाहिए फ्रॉम IBCC एंड HEC के लिए। काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और काफ़ी क्वेश्चन जो हैं कमेंट्स देखने को मिले कि जो है ना ये अटेस्टेशन ज़रूरी है या नहीं है, हम यहाँ पे अटेस्टेशन कराएं ना कराएं। एक तो पहली बात तो ये कि ये वाला प्रोसीजर अटेस्टेशन कराने का बहुत लेंथी है और एक्सपेंसिव भी है। तो इस स्टेज पे जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें आपको अटेस्टेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। HEC के थ्रू जितने भी स्कॉलरशिप्स आते हैं, जितने भी आते हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ के हों चाहे वो नेशनल लेवल के हों, उन सब में ये चीज़ मेंशन होती है कि IBCC से हों, लेकिन इनिशियल स्टेज पे इसकी ज़रूरत नहीं होती। आफ्टर नॉमिनेशन अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हो, मतलब कि आप जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है या इंटरव्यूज होते हैं वो क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद HEC आपसे डिमांड करेगी कि आप जो है हमें अपने डॉक्यूमेंट्स IBCC से अटेस्ट करा के दें। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये फुल डिटेल आ गया। इसको अप्लाई करने का सही तरीका है वो है जस्ट HEC। आपने HEC के पोर्टल पे सबमिट करना है। काफ़ी लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि HEC के सबमिट करने के बाद क्या हमें सऊदीया की यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ जो नॉमिनेशन है वो HEC ने करनी है। HEC खुद सेलेक्ट करके आपको सऊदीया यूनिवर्सिटीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके एडमिशन को सेंड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल स्कॉलरशिप जो है गवर्नमेंट्स के कंट्रीब्यूशन से है, यूनिवर्सिटीज़ के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। तो आप लोगों इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि हमने किधर अप्लाई करना है किधर नहीं करना, यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये उनका यहाँ पे लिंक गिवन है। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि HEC ने इस स्कॉलरशिप के लिए 23, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि 23 यूनिवर्सिटीज़ मेंशन की हैं कि आपने उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है अपने फर्दर स्टडी के लिए। अब ये 23 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ पर जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी ईमेल एड्रेस और सॉरी वेबसाइट और जो है ना उनका नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने ये क्लियर ऐसा मैंशन है। अब काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें जो है प्रोग्राम्स नहीं मिल रहे, कि प्रोग्राम्स को कैसे सर्च किया जाए कि किस यूनिवर्सिटी में कौन से प्रोग्राम है। एक तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि तकरीबन सऊदीया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो हम लोग जानते भी नहीं हैं, मतलब कि हमारे पाकिस्तान वाले स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, यहाँ पे होते ही नहीं। और उसके अलावा भी जितने स्कॉलरशिप्स हैं जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो इसके अंदर हैं। तो आपने सर्च कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। जैसे ही आपने अपनी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर क्लिक किया, आप पहली पे कर लें, दूसरी पे कर लें, तीसरी पे कर लें, जो भी आप देखना चाहें, जैसे अब ये ओपन हुआ है। अब जैसे ही ये ओपन हो तो आपने एक चीज़ यूज़ करनी है ट्रांसलेटर की। जैसे ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये ट्रांसलेटर ऑटोमेटिक आ गया। कोशिश कीजिएगा कि आप ये जो है ना अपने लैपटॉप पे या सिस्टम्स पे यूज़ कीजिए, उनके मोबाइल पे ट्रांसलेटर वाला ऑप्शन नहीं आता। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी जो वेबसाइट है ये अरबी के अंदर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो हमें समझ आए। अपने यहाँ पे आप ऑलवेज कर देंगे वैसे ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो जो है ना ये आपकी इस वेबसाइट को इस यूनिवर्सिटी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इस इंग्लिश में क्लिक कर दिए। अब हमने यहाँ पे सर्च क्या करना था कि हमारी जो है डिपार्टमेंट्स हम कैसे सर्च करें किस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स मौजूद हैं। अब जैसे यहाँ पे कॉलेजेस का लिखा हुआ है, जैसे ही कॉलेजेस पे क्लिक करते हैं ये डिफरेंट कॉलेजेस आ गए हैं आप देख रहे होंगे।
जैसे यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, फैकल्टी ऑफ अरेबिक है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, सोशल साइंसेज है, कम्युनिटी सर्विसेज है, डिज़ाइन है, इंग्लिश है, मेडिसिन है, मेडिकल साइंसेज है, डेंसिटी है, पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन है, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी है, नर्सिंग है, साइंस है। ये देखिए सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे आपके गिवन है। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, ठीक हो गया ना। तो यहाँ से आप अपने यूनिवर्सिटीज को ये सेलेक्ट कर सकते हो जो बेस्ट वन आपके लिए। दूसरी बात, ये काफ़ी लोगों का रुझान ये होता है कि वो टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके अंदर अप्लाई करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, उस 10 के 10 स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली है। जैसे ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ किंग साउद यूनिवर्सिटी की। अब ये यूनिवर्सिटी की सऊदी अरेबिया में रैंकिंग 1 है, फॉर एग्जाम्पल टॉप 10 में ही आती है। अब हर स्टूडेंट ने ये सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि किंग साउद यूनिवर्सिटीज़ में उतनी सीट्स हों जितने यहाँ पे अप्लाई कर। तो कोशिश कीजिएगा कि जो है ना अपनी रैंकिंग 5 और 5 से नेक्स्ट जो आती हैं 10 के दरमियान की रखिएगा, ताकि आपके पास नंबर ऑफ सीट ज़्यादा हों। क्योंकि जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होती हैं, तो उनके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मेरी तरह मिडिल क्लास हैं, मतलब कि मिडिल लेवल के हैं, कोई हाई लेवल के नहीं हैं। तो हाई अचीवमेंट्स के हैं, हाई परसेंटेज वाले हैं, वो कोशिश करें कि वो टॉप यूनिवर्सिटी में ही अपना जो है अप्लाई करें। अब ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम्स सेलेक्ट कर सकते हो कि इसके अंदर ये वाले हैं, अगर इसमें नहीं है तो आप दूसरी में देखें, वहाँ पर आपके मिल जाएंगे। लेकिन तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप जो किसी भी डिपार्टमेंट में कर सकते हो। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने सिंपल यहाँ पे लॉगिन किया, आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास एक पेज ओपन होगा जहाँ पे वो आपकी नेशनैलिटी, CNIC या जो भी आप पासपोर्ट के थ्रू करना चाहें, रिलीजन आपका होगा इस्लाम कर लेंगे या पाकिस्तान, रिलीजन आपका जो भी है पंजाब है, जो भी है कंट्री कोड होगा, मोबाइल नंबर देंगे, तो आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, आपका क्या होगा ये रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपने यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करेंगे तो आपके पास पूरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास पूरी प्रोफाइल आ गई है, मेरे नाम से, मेरे सामान के नाम से यहाँ पे राइट करना है। इस पर आपका माई प्रोफाइल, अकाउंट सेटिंग, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट का ऑप्शन है। अब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले जो हमारी मेन चीज़ है वो ये है कि आपको माई प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है। अब माई प्रोफाइल के अंदर आपका क्या क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लोड हो रहा है, प्लीज वेट प्रोसेसिंग। ये देखें, अभी जो माई प्रोफाइल जो शो हुई है, यहाँ पे आपकी डिटेल्स हैं सारी, पर्सनल डिटेल्स, जिसके अंदर आप अपनी पर्सनल डिटेल देंगे, आपका नाम क्या है, आप सिंगल हैं, आपकी एज कितनी है, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी आपका जेंडर क्या है, ये जो है ना सारा कुछ आप यहाँ पे देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का भी आपको पता ही है। और जैसे ही आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो वो टैग आपको देगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो आप अगर कीजिए नेक्स्ट, अगर आपने नीचे यहाँ पर सेव नहीं किया, जैसा कि आप देखेंगे कि ये एंड पे जो है सेव का ऑप्शन मौजूद होगा, ये सेव सेव एंड क्लोज है या नेक्स्ट, अगर तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अगर आप सेव एंड क्लोज पे करेंगे तो सेव होने के बाद ये जो सेक्शन है आपका क्लोज हो जाएगा। अगर आपने ये भी नहीं किया तो जैसे ही आप इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ऑप्शन देगा ओके का। जैसे ही आप ओके करेंगे, पिछली आपकी जितना भी डाटा आपने एंटर किया हुआ होगा वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे मेरी आ गई है एजुकेशन, आपने अपनी एजुकेशन देनी है, ये तो मैंने दी हुई थी। अगर तो अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप शुरू से ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लिक ऐड का ऑप्शन है, क्लिक ऐड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी एजुकेशन आ जाएगी। अब ये नीचे डिटेल आई है, और यहाँ पे जो डिटेल आई है वो क्रोनिकल ऑर्डर में आएगी, मतलब पहले आपका मैट्रिक आएगा, फिर आपकी हायर सेकेंडरी आएगी, फिर आपकी बैचलर आएगी, फिर मास्टर आएगी। इस तरह से जो है मतलब कि आप असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर जाएंगे, डिसेंडिंग में आपने नहीं करना। मोस्टली आपने देखा होगा हम अपने रिज्यूमे में, CV में डिसेंडिंग ऑर्डर देते हैं, पहले हाईएस्ट होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। लेकिन यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है या आपकी एजुकेशन डिटेल है वो असेंडिंग ऑर्डर में आई जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ। आप अपनी यहाँ पे सारी डिटेल देंगे, डिटेल देने के बाद आपने यहाँ पे करना है ऐड एंड अपडेट लिस्ट पे करेंगे तो वो आपकी ऐड हो जाएगी। मेरी ऑलरेडी है तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अब ये आ गया, अब नेक्स्ट जो सेक्शन है
जैसे एम्प्लॉयमेंट, अगर तो आपके पास कोई जॉब है, आपने कोई जॉब की है पहले ऑलरेडी, कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो आप वो यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर नहीं की तो जस्ट आप इसको नेक्स्ट कर दें। जस्ट अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसको नेक्स्ट कर देनी है। आप पब्लिकेशन जैसे कि रिसर्च पेपर होते हैं, रिव्यू पेपर होते हैं इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर या नेशनल जर्नल्स के अंदर, नेट पर मौजूद हो, ये प्रूफ है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है। आप ऐसे ही जैसे एम्प्लॉयमेंट के बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपने वैसे नेक्स्ट कर देना है। प्रोजेक्ट क्या होते हैं, जो आपने कोई एसोसिएशन के अंडर किया है। फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको एक अथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया, फॉर एग्जांपल HEC ने किया है, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन ने किया, या किसी NGOs ने आपको सपोर्ट किया है, उस प्रोजेक्ट की आप यहाँ पर डिटेल देंगे। आपने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की नहीं देनी। अगर आप वो देना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपसे रिक्वायर करेगा कि आप बताएं कि जो है ना कहाँ पे आपने किया है, कैसे किया, और उसका फंडिंग सोर्स क्या था। जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे HEC USAID एंड अदर, ये जो है ना सारे आपके वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं। सर्टिफिकेशन, अगर कोई ऐसा है जहाँ से आपको सर्टिफिकेशन मिला है, फॉर एग्जांपल कि आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, कहीं पर मेंबरशिप आपकी थी, या और कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पे आपको ऑनर्स अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ये आपकी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाती हैं। इसका ये भी होता है कि आप इसको छोड़ के नेक्स्ट चले जाएं, आप यहाँ पे कुछ कुछ ना करें, लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं आपकी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाती हैं। आपका AEF स्कोर, अभी AEF स्कोर क्या होता है ये मैं आपको एप्लीकेशन में बताऊँगा, तो उसको जो है ना ये बढ़ाती हैं। अब हम आ जाते हैं स्किल्स पे। नेक्स्ट आप स्किल्स पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हर बंदे में कोई ना कोई स्किल्स होते हैं, आप में भी कोई ना कोई होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फोटोशॉप में मास्टर होता है, कोई MS ऑफिस में उसका अच्छा होता है, किसी की लैंग्वेज अच्छी होती है। वैसे मोस्टली जो है यहाँ पे स्किल्स आपके प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का ही पूछा गया है कि आपके सॉफ्टवेयर पे कितनी ग्रिफ्ट है। ये जो स्किल्स होते हैं ये आपकी एप्लीकेशन के लिए नेक्स्ट जो फर्दर होता है उसके लिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के तौर पर काम होता है, यूज किए जाते हैं कि जो है ना अगर बच्चे के अंदर ये स्किल्स हैं वो इसको बेहतर तरीके से कर सकता है, तो जो है ना उसको प्रेफर किया जाए। नेक्स्ट एप्लीकेशन से मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ या मैंने कहीं पर जॉब की है, जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई प्रोफेसर होते हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उनकी एप्लीकेशन उसी यूनिवर्सिटी से है, वो अपना रिकॉर्ड देंगे कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जो है मेरी मेंबरशिप है, मेरा यहाँ पे वो कार्ड है, अपना अपना आपका नहीं है, आपने इसको छोड़ देना है। रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस एक किस्म का यहाँ पे वही होता है जो हम फॉरेन स्कॉलरशिप्स में रिकमेंडेशन के तौर पर यूज़ करते हैं, कि आप किसी प्रोफेसर की ईमेल एड्रेस देते हो, उनका मोबाइल नंबर देते हैं, उनका नाम लिखते हैं, तो जो है ना आप उन्हें बताते हैं कि जी ये जो है ना हमारे रिकमेंडर, अगर कोई आपके पास नहीं है तो नेक्स्ट। अब जो समरी है, सब प्रोफाइल समरी में आप अपना भी लिख सकते हैं कि भाई आप क्या हो, मतलब क्या अपने बारे में बता सकते हैं, या अगर आपने रेफरेंस दिया है तो आप उन प्रोफेसर के बारे में लिखना है कि उनकी जो है डेजिग्नेशन क्या है, उनका रैंक क्या है, वो किस लेवल पे हैं, आपने वो बताना। लास्ट सेक्शन जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। ये बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपकी प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट और एजुकेशन इम्पोर्टेंट हैं, वैसे ही जो है एक सेक्शन डॉक्यूमेंट्स का ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे दो टाइप्स के जो हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी क्या होगी, यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये देखें ना, यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डाका को भूमि सेल, CNIC, पासपोर्ट, NTN, SSN, SIM, PIN, इनको आपने सब कुछ छोड़ देना है। यहाँ पे जो आपके मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं एप्लीकेशन के लिए, वो कॉपी ऑफ भूमि सेल, CNIC, पासपोर्ट अगर तो है ठीक है, अगर नहीं है तो आपने उसको रहने देना, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं आता। बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं NTN, SSN, SIM, PIN, ये जो है ज़रूरी है, आपने इनको अपलोड नहीं करना। अब सेक्शन होता है कमेंट का, आपने ऊपर कुछ कुछ ऐड किया। कमेंट्स का मतलब ये है, जैसे कि अब CNIC में हमारे पास है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है उसकी दो साइड होती हैं, अगर आप फ्रंट साइड पे आपने सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे फ्रंट, अगर बैक साइड पे किया तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैक, और बाद में आप यहाँ पे फाइल जो है ना चूज़ करनी है। यहाँ पर मैक्सिमम जो होता है ना 500 KB की फाइल अपलोड होती है, उससे ज़्यादा होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक हो गया। अब इसके बाद आते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर
क्या होता है कि आपने एक ही डॉक्यूमेंट्स को, मतलब कि एक लेवल के डॉक्यूमेंट को हमने दो बार रिक्वायर किया हुआ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये शो हो रहा है कॉपी ऑफ डिग्री, कॉपी ऑफ डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और भी डॉक्यूमेंट्स हैं नीचे तक जा रहे हैं तो जो मैंने यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ही आपने अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, सेम वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखें, अब यहाँ पे आया हुआ फर्स्ट सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन ओ लेवल कॉपी ऑफ डिग्री, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन ओ लेवल मैट्रिक कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। मतलब कि उन्होंने एक लेवल की दो चीज़ें मांगी है, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। डिग्री का तो आपको पता ही है, जिसको हम नाम देते हैं सनद का, जो हमें दो साल बाद अपने बोर्ड से मिलती है, यूनिवर्सिटी से मिलती है कम्युनिकेशन के बारे के मौके पर। और जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, ये आपके रिजल्ट्स कार्ड होते हैं। अगर किसी के पास इस वक्त डिग्री मौजूद नहीं है तो वो इन दोनों ऑप्शन पे अपना रिजल्ट कार्ड अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी एप्लीकेशन में वो एरर देगा और कहेगा कि जो है ना रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें। जैसे ही आपकी ये कंप्लीट हो जाती है प्रोफाइल, आपने इसको कर देना सेव क्लोज। अब ये प्रोफाइल HEC के थ्रू जितने भी स्कॉलरशिप्स आते हैं उन सब के लिए सेम है। जब तक आपकी ये प्रोफाइल नहीं होगी, आप HEC के थ्रू किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जैसे ही ये प्रोफाइल कंप्लीट होगी है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो बहुत ईजी है। मेन जो काम होता है वो यही प्रोफाइल बनाना होता है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लीज वेट प्रोसेसिंग का आ रहा है, मैं आप यहाँ इस पोर्टल पे नेक्स्ट फीचर। अब मेन आपकी जो होती है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के ऊपर आपकी वो सारी एप्लीकेशन जो होती हैं अपडेटेड होती हैं, जो आपने सबमिट की या आपने सेव की। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, लर्निंग ऑपरचुनिटीज रिकॉर्ड सबमिटेड 11 दिसंबर 2018, हंगेरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम सबमिटेड 24 दिसंबर 2018। ये था मेरा डैशबोर्ड जहाँ पर मेरी प्रीवियस एप्लीकेशन का सारा रिकॉर्ड था। अब आपने किसी स्कॉलरशिप पर क्लिक करना है, अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर ये देखेंगे ये डैशबोर्ड माई प्रोफाइल लाइब्रेरी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन है स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट्स का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखते चाहें कि काफ़ी सारे ऑप्शन है, अप्रूव सुपीरियर एप्लीकेशन MS लीडिंग मेरिट USTC UESTP प्रोग्राम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। अब इन्होंने हमें एप्लीकेशन में बताया है कि आपने क्लिक करना है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड में। जैसा कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें ये यहाँ पर उन्होंने बताया कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग योर प्रोफाइल प्लीज सेलेक्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड अब्रॉड। आपको ये मेंशन हुआ होगा, नज़र आ रहा होगा, तो आपने क्या करना है, आपने इस पोर्टल के अंदर क्लिक करना है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है शो होगा। जैसे कि ये अब आया, अब यहाँ पे आया स्कॉलरशिप में। अब आप यहाँ पे मैं दिखाऊंगा काफ़ी सारे स्कॉलरशिप जैसे कंटिन्यू होंगे वो सब होंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, एक है उधर फर्स्ट पे खड़ा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ ब्रुनाई जेरुसलम, जेरुसलम स्कॉलरशिप फॉर मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट 2019। और सेकेंड वन पर खड़ा हुआ है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। हाँ, HEC के थ्रू जितनी भी स्कॉलरशिप होंगी वो इसी तरह इसी एप्लीकेशन के थ्रू सबमिट होंगी। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे सऊदीया, अब अप्लाइंग फॉर किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर के लिए कर रहे हैं, मास्टर के लिए कर रहे हैं, डॉक्टर के लिए कर रहे हैं, आपने स्टेज सेलेक्ट कर लेंगे, मैं मास्टर के लिए कर रहा हूँ तो मास्टर कर ली। अब आपकी क्या डिसिप्लिन कौन सा है आपका, डिसिप्लिन में अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं एग्रीकल्चर से हैं, आर्ट्स से हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज से हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ सोशल साइंसेज के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, इंग्लिश उसमें आ जाती है, एजुकेशन उसमें आ जाती है, आपकी आर्ट्स सब्जेक्ट सारे उसमें आ जाते हैं मोस्टली। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पे वो बड़ी मेन जो उनकी मेजर फील्ड है वो लिखी हुई होती है। कभी आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मेरा तो डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। मेडिकल साइंस में सारे मेडिकल वाले आ जाएंगे, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में सारे इंजीनियरिंग वाले आ जाएंगे। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की तो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी कि आप किस सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, यहाँ आपके सारे जो हैं आ जाएंगे। आप यहाँ पे अपना सर्च कर सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, जो भी आप यहाँ पे सर्च करना चाहें आप कर सकते हैं। अपने खुद से मैंने ये किया। अब यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट जाने से जो है ना उन्होंने पूछा है कि आप बताएं, आई हैव कम्प्लीटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर डोनर एजेंसी कंट्री। आपने दोनों को यस करना,
अगर आपने इन दोनों में से किसी एक को ही नो किया तो ये जो है आपको एलिजिबल नहीं कहेगा, ये कह देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। जैसा कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं अगर एक पे नो करता हूँ, जब नेक्स्ट कर किया है मैंने तो उसने मुझे क्या शो कराया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड बिकॉज ऑफ दिस फॉलोइंग क्राइटेरिया। हमने इसको क्लोज कर दिया, अब हम बैक दोबारा जो है उसी पे फॉर्म जाते हैं। हम दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया, ख्याल से नेट की बहुत स्लो है तो इस वजह से जो है प्रोसेसिंग बहुत लेट कर रहा है। सेम वैसे ही आपने यहाँ पे अपना स्कॉलरशिप करना है सिलेक्ट की बारे से, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि जब हमने यहाँ पे पहले नो किए तो उन्होंने हमें कहा कि यू आर नॉट एलिजिबल। अब आपने वैसे ही सेम नेक्स्ट करना है, टेंपल बिल्डिंग पर क्लिक किया तो आपने उनको यस कर देना है। दोनों को यस करने के बाद अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आप देखें, ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, यहाँ पे उसने पूछा है फॉरेन कंट्री, यहाँ पे सऊदी अरेबिया आपने सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट वहाँ पे भी प्रीवियस जो है साइट पर मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया, आपने सेलेक्ट करना है केमिकल इंजीनियरिंग या जो भी आपका डिपार्टमेंट है आपने वो लिख देना। टेलीफोन नंबर यहाँ पे आपने परेशानी है, यहाँ पे आप अपना फोन नंबर लिख सकते हैं 0 6 5 7 8 0 0, आपने नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे फॉरन इंस्टीट्यूट कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं या आपने कौन सी चूज़ किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे था, यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है ना, आपने दो यूनिवर्सिटी देखी है जहाँ पे आपका मौजूद था, जहाँ पर आपकी जो है प्रोग्राम आपकी किसी यूनिवर्सिटी में अच्छा लगा है, आपको रैंकिंग अच्छी लगी है तो आपने देख लेनी है, यहाँ से आप उस यूनिवर्सिटी को कॉपी कर लें या जो भी आपकी है आप वहाँ जो है पेस्ट कर दें। अभी आगे आपकी फॉरन यूनिवर्सिटी जहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल, कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हमने यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लिखनी है, तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल ले सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है, ईमेल नहीं होती। आपने यहाँ पे क्या करना है, अपनी ईमेल लिख देनी है, ये कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ईमेल लिखने के बाद फैक्स नंबर देनी है, यहाँ पे मांगा हुआ रैंकिंग जो भी है आप गूगल पर लिख सकते हैं कि रैंकिंग होती फलानी यूनिवर्सिटी जो भी आप लिखना चाहें, वैसा कि मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। ऐसा कि आप ये बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2018 जो है वो 101 से 150 के दरमियान में आया है। अब अगर आप यहाँ पे क्यूएस रैंकिंग इसकी लिखना चाहें तो आप यहाँ पे इसके क्यूएस रैंकिंग दें तो ये आपको तभी कोई ना, जैसा कि आप ये देखें ये उन्होंने दे दिया है। अगर हिस्टोरिकल डाटा जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में उसको 50 स्कोर मिले हैं, जो रैंक था 173 है, तो ऐसे ही करके ना आप रैंकिंग देख के आप वहाँ पर अपनी रैंकिंग देख सकते हैं जो भी। अब यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग लेते हैं तो चाहें, अगर आप यूनिवर्सिटी रैंकिंग करना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी आपकी रैंकिंग है 150 है, 100 है, 120 है, 4 है, 5 है, 6 है, आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, आपने वो भी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है कि जो भी आपका इंटरव्यू होगा या स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो आप कहाँ पे आपके लिए ईजिया देने के लिए, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, जो आपके लिए ज़्यादा मिलती है तो आपने सेलेक्ट कर लेना लाहौर है। अब आता है यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल, जो बैचलर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं होता। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये रिसर्च कर देगा, ये बैचलर के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, मास्टर और पीएचडी के लिए ये ज़रूरी होता है, मास्टर के लिए भी ऑप्शन होता है। अगर तो मास्टर वाले यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल लिख देते हैं तो वो आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। कुछ भी यहाँ पर लिख देते हो,
कुछ भी आप लिखना चाहें, जैसे कि मेरी जो रिसर्च है वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से। एक्सेप्शन तो यहाँ पे आप उसका नाम ले सकते हैं, और उसका एब्स्ट्रैक्ट शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है मैक्सिमम 250 वर्ड्स के दरमियान होता है आपको सकता है। लेकिन अगर मास्टर के लिए आपके पास रिसर्च प्रपोजल है तो आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग समझा जाएगा, वरना ये ऑप्शनल है। अगर नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल दें, लेकिन PhD के लिए ये मस्ट है। PhD वाले विदाउट रिसर्च प्रपोजल अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। दूसरी बात, अब उसके बाद आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि मोटिवेशनल लेटर होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब ये होता है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई क्यों करना चाहते हैं। इसके बारे में भी हमने फेसबुक ग्रुप पे काफ़ी सारी डिटेल्स विद एग्जांपल्स दी हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशनल लेटर, SOP, इसका कॉन्टेक्ट क्या होता है, इसके टॉपिक्स कौन कौन से डिफाइन होते हैं कि आपने उनको जो है कवर करना है इस लेटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपकी एजुकेशन होती है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, आप ये क्यों कंट्री चेक कर रहे हैं और आपको आफ्टर स्टडीज का क्या फ़ायदा होगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये चीज़ें जो है डिफाइन की जाती हैं। इसकी लेंथ काफ़ी लोग कुछ लोगों ने पूछा था कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, आपके पैराग्राफ पे डिपेंड करता है कि आप कितना बना रहे। पैराग्राफ मैक्सिमम 6 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम इस 6 लाइन्स को अगर काउंट करें तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज तक या 2 पेज, इससे ज़्यादा नहीं बनता। तो आपने वो देना है, वो लिखने के बाद, ABC करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है, जो भी आप लिखें। प्लीज़ चेक इफ दिस यूनिवर्सिटी इज़ यूनेस्को वेबसाइट। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन आया हुआ है, ये वाला, ये टिक करना है आपको। प्लीज़ चेक इफ दिस यूनिवर्सिटी इज़ यूनेस्को। यूनेस्को वेबसाइट वो है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है। जो यहाँ पे मौजूद नहीं होती उनको वापस आने के बाद आपकी HEC भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। इसलिए जो है आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी जो भी आप चेक कर रहे हैं उसको चेक कर लीजिए वो यूनेस्को की वेबसाइट पर है या नहीं है। दूसरी बात ये है कि तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज जो है यूनेस्को की वेबसाइट पर मौजूद हैं। आप जैसे ही यहाँ से नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, एक नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पे ये क्विज़ मांगे। जैसा कि ये मैं आपको बताता चलूँ, योर AEF स्कोर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि AEF स्कोर क्या होता है, एकेडमिक इवेल्युएशन फार्मूला। ये HEC ने फार्मूला डिफाइन किया है जिसके अंदर आपकी एकेडमिक्स अचीवमेंट्स के मुताबिक आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। अभी ये कैसे पॉइंट्स दिए हैं मैं आपको वो फाइल भी दिखाता हूँ कि HEC इन पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट करती है। आपके मेरिट सेक्शन के अंदर ये पॉइंट कंसीडर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर HEC आपके लिए, HEC के थ्रू कोई भी स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किया है, उसके लिए कोई टेस्ट कंडक्ट करती है, चाहे वो स्क्रीनिंग टेस्ट हो चाहे वो इंटरव्यू, तो 50% आपका टेस्ट का या स्क्रीनिंग इंटरव्यू का हिस्सा होगा और 50% आपकी AEF स्कोर लेके आपका टोटल जो है मेरिट बनाया जाएगा। अब ये डिफाइन कैसा होता है, ये कैलकुलेट कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूँ इस एप्लीकेशन के बाद। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है, अब उन्होंने कहा प्लीज़ चेक इफ़ यू हैव एनी डिसीशंस इन योर कैरियर। अगर आपके पास है तो आपने वो बताना है, कोई भी है, अगर नहीं है तो आपने इसको टिक नहीं करना। प्रोफेशनल डिग्री रिकॉर्ड आपकी वो नहीं होती जो आपकी एक कंटिन्यूस, जैसा कि हमने एजुकेशन में वहाँ पे देखे हैं, वो प्रोफेशनल होती। प्रोफेशनल से मुराद ये है कि आपने अपने डिग्री के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा जो है प्रोफेशनल कोई कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किए हैं, कोई वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, या कोई ऐसे प्रोग्राम, जैसा कि हम लोग सेफ्टी कोर्सेज कर लेते हैं तो वो आपके प्रोफेशनल रिकॉर्ड में आ जाता है। अब BEd आपने किया हुआ है, MEd किया हुआ है, वो आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज में आ जाती हैं। आप जो है उनको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आपने इस पर क्लिक नहीं करना। उसके बाद है प्रीवियस स्कॉलरशिप सेक्शन। अब प्रीवियस स्कॉलरशिप सेक्शन पे आपने क्या करना है, वो नहीं लिखना जो आपको पाकिस्तान में कोई स्कॉलरशिप HEC की तरफ से, PF की तरफ से, PEF की तरफ से या किसी और जो है स्कॉलरशिप सेक्शन की तरफ से मिला है। यहाँ पे आपने उस स्कॉलरशिप की डिटेल देनी है जो आपको फॉरेन जाने के लिए कहीं से मिला है, चाहे वो HEC से मिला है, चाहे वो फॉरेन गवर्नमेंट से मिला है और आपने कोई बॉन्ड फिल किया। जो आपकी प्रीवियस स्कॉलरशिप्स हैं वो मैंने आपको बताया था सर्टिफिकेट्स, वहाँ पे आप अपना वो दे सकते हैं।
उसके बाद है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सेक्शन। अब ये उनके लिए है जिन्होंने आईएलटीएस जीआरई टोफल वगैरह कोई टेस्ट दिए हैं। अगर आपके पास कोई टेस्ट मौजूद नहीं है जस्ट प्रोफिशिएंसी है तो आपने इसे भी क्लिक नहीं करना। ये आपके पास ऐसे इस तरह से पेश होगा तो आपने क्या करना है जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया अब आप यहाँ देखिए यहाँ पे लास्ट ये आपका एएफ स्कोर मेरा वहाँ पे आपने देखा होगा 60 था यहाँ पे 58 हो गया। अब ये 58 इसलिए हुआ यहाँ पे मैंने डिफाइन किया योर फाइनल एएफ स्कोर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन योर एजुकेशन इन दिस सिलेक्टेड डिसिप्लिन एंड एक्स्ट्रा स्कोर अवार्डेड टू यू बेस्ड ऑन एचईसी क्राइटेरिया। अब मुझे जो 5 स्कोर एक्स्ट्रा मिले हैं वो इस वजह से मिले हैं कि एचईसी का क्राइटेरिया है कि आपकी अगर थ्रू आउट ऑल एजुकेशन मोर देन 70% है तो आपको 5 जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाते हैं। इस वजह से मेरा 63 से 68 हो गया। आपने क्या करना है यहाँ पे अंडरटेकिंग पे क्लिक करना है। अंडरटेकिंग पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पे अब जो है बैंक चलान इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी डिमांड नहीं की गई। प्लेसमेंट लेटर ये होता है पीएचडी वालों के लिए। प्लेसमेंट लेटर मीन एक्सेप्टेंस लेटर कि आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से उस यूनिवर्सिटीज़ की आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि पीएचडी वालों के लिए। बैचलर और बाद में आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये सब के लिए मस्ट है। जो आपने वहाँ पर लिखा है आपने उसी की पीडीएफ फॉर्म यहाँ पर अपलोड करनी है। चाहे आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और चाहे आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। रिसर्च प्रपोजल जैसा कि मैंने पहले ही बताया है ये दो के लिए मस्ट है, मास्टर वालों के लिए और पीएचडी वालों के लिए। मास्टर के लिए ऑप्शनल है, पीएचडी के लिए मस्ट है। आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप एंड पर देख रहे होंगे कि सबमिट का ऑप्शन है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। मैं इसको अभी सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे वहाँ पे प्रीवियस आपको जैसा मैंने दिखाया है कि मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिसर्च प्रपोजल मैंने वहाँ पर टाइप करना है। तो ये वीडियो थी आपको दिखाने की कि आपने किस तरह से अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट करना होता है।